सभी को जय हिंद। मिशन एनसीसी एंड आर्मी में आपका फिर से स्वागत है। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, अगर आप भी सच में एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं और आगे जाकर भविष्य में देश सेवा करना चाहते हैं, आर्मेड फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एनसीसी ज्वाइन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि भी एनसीसी ज्वाइन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपका भी जो एनसीसी के प्रति ये डाउट है वो पूरा पूरा क्लियर हो जाए। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एनसीसी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में भारत का नागरिक होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर है हमारा सेकंड, अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नेपाल के भी नागरिक हो तो भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप नेपाल के भी नागरिक हो तो भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के छात्र हो। यानी कि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का छात्र होना चाहिए तो वो एनसीसी ज्वाइन कर सकता है। फिर है, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। अगर कोई भी बच्चा एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो एनसीसी ज्वाइन कर सकता है, वरना वो एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। फिर है, अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष और अधिकतम उम्र 26 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई भी बच्चा या फिर कैंडिडेट एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र तो 12 वर्ष और अधिकतम उम्र 26 वर्ष होनी चाहिए। अगर 12 वर्ष से छोटी है किसी की उम्र तो वो एनसीसी ज्वाइन नहीं कर सकता, या फिर 26 वर्ष से किसी की ज़्यादा उम्र है, 26 वर्ष से ज़्यादा है तो भी वो एनसीसी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि भी एनसीसी ज्वाइन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो या फिर नेपाल का नागरिक हो, उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का छात्र होना जरूरी है, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष और अधिकतम उम्र 26 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका एनसीसी से प्रति और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।